चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक फंडामेंटल राइट। और आज फंडामेंटल राइट में हमको देखना है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हम लोग चार आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा? वंदना। वंदना से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें क्या इस आर्टिकल के तहत आपको जीने का अधिकार तो उसमें है ही, जीने की स्वतंत्रता। क्या उसमें ये भी है कि जो है आप जब चाहें आप मर जाएं? हमारा जो संविधान है वो जीने का अधिकार देता, मरने का अधिकार नहीं देता। और अगर फिर भी आदमी क्या हो रहा है, अगर मर रहा है, मरने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। और आईपीसी का कौन सा सेक्शन के तहत वो एक अपराध है? आईपीसी के किस सेक्शन के तहत आत्महत्या का प्रयास करने का अपराध है वो, उसको पहली बात तो आर्टिकल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेक्शन बोलेंगे। आईपीसी की जो धाराएं होती हैं, आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं, उनको सेक्शन बोलते हैं, 309, ठीक है। सेक्शन 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास करना क्या है, एक पनिशे। इसके कहना के अनुसार 306, ठीक है, चलो। लेकिन वो सेक्शन हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो मरने का अधिकार आपके जीने के अधिकार में पहली बात शामिल नहीं है, वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आपने मरने की कोशिश की तो राज्य आपके प्रति क्या करेगा, केस दर्ज करेगा। आपकी दवाई ववाई कराने के बाद, क्योंकि दवाई कराना आपके जीवन के अधिकार में शामिल है, आपकी दवाई ववाई करवा के फिर क्या होगा, आपके खिलाफ केस दर्ज होगा, ट्रायल होगा। बेसिकली नॉर्मली कंडीशन में जेल वेल होती नहीं है, बट फिर भी क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन मेरे कहने के अनुसार 309, उनके कहने के अनुसार 306, ठीक है, ओके। लेकिन एक केस आया, ओ ए अरुणा साह का क्या नाम था यार उनका, एक नर्स थी मुंबई की, कुछ अरुणा बानो साह ऐसे कुछ की उनका नाम था यार, ठीक है। अरुणा तो उनका मुझे याद है और पीछे का सर नेम भूल रहा हूँ, बानो भी याद है, ठीक है। खैर वो केस आया, उस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कुछ आधारों में मरने की भी स्वतंत्रता दी जा सकती है, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, एथनेशिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में, अरुणा आशफ बानो कुछ है था, ठीक है, दिमाग में हिंट नहीं आ रही। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इच्छा मृत्यु यानी कि एथनेशिया को भी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है कुछ, लेकिन कुछ सीमित आधारों में। और एथनेशिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिस्क्राइब किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक एथनेशिया होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। अभी हम आगे बात करेंगे एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पैसिव एथनेशिया है, उस पैसिव एथनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है, मतलब लोगों को दिया है कि पैसिव एथनेशिया के द्वारा इच्छा मृत्यु ली जा सकती है ना। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जीवन का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, बात करेंगे हम लोग राइट टू फ्रीडम। कल वो हो गया था ना, राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट हो चुका, समता का अधिकार, सारे आर्टिकल्स, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे वंदना। अब तो हमें वंदना करवाए यहाँ खड़े होके, तो मानो भी काहे दरबार कर रही हो, दोनों लोग पीछे मुर्गी बना दें दोनों को, चुप्पा बैठो। किसके बारे में? अरे अब ठीक है, जब वो चीज़ आएगा तब उसके बारे में वहाँ डिस्कस करेंगे। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 से लेकर के और आर्टिकल 22 चार अधिकार हैं, ठीक है। ये बार बार समझ लीजिए कि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, असीमित हो। सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, तर्कसंगत आधारों पर उनको क्या कह सकता है, उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले देखें आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंतर्गत मूल रूप से जब संविधान बना उस समय मूल रूप से आर्टिकल 19
अच्छा आर्टिकल जो 19 है वो आर्टिकल 19 को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 19 है ये क्या बातें करता है, ये आर्टिकल 19 जो क्लॉज 1 है वो लोगों को स्वतंत्रता देने की बात करता है, और जो 19 का क्लॉज 2 है वो लोगों की स्वतंत्रता पर रोक लगाने की बात करता है। ठीक ना, 19 का क्लॉज 1 लोगों को स्वतंत्रता देने की यानी अधिकारों की बात करता है कि अधिकार दिए जाएंगे, और क्लॉज 2 अधिकारों को कम करने की बात करेगा, यानी कि ये इसको ये नकारात्मक स्वभाव है इसका, ऊपर वाले का सकारात्मक है। ठीक है, देखें अब देखें हम लोग कि जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है इस क्लॉज 1 में कितनी तरीके की स्वतंत्रताएँ बात की गई हैं। आर्टिकल 19 में नहीं हमें स्वतंत्रता बताना, हमें बताना है आर्टिकल 19 में तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों आ जाएंगे ना, लेकिन आर्टिकल जब 19 क्लॉज 1 जब हम कहेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जो मूल रूप से संविधान में 7 तरीके की स्वतंत्रताओं की बात की गई, यहाँ पर मूल रूप से 7 तरीके की स्वतंत्रताएँ, और इनमें से जो छठवीं जो स्वतंत्रता थी उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब हम जरा देखें कौन कौन सी यहाँ पर, अब तो यानी कि वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं बची, 6, तो अब हम लोग देख लेंगे कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है, 19 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, सॉरी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई एफ जी। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, मूल रूप से संविधान में ये 7 स्वतंत्रताओं की बात की गई। अभी 7 कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, 4-5 लोगों ने मिलकर के क्या किया, न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया, और ये हुआ कि गोवा चलेंगे, जो कि कभी प्लान पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, प्लान बनाया गया कि अच्छा कहाँ बताया ये, मतलब सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के तहत ये रिसर्च हुई है कि सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी, ठीक, कि गोवा का जो प्लान है वो 90% प्लान लोगों के फेल होते हैं, गोवा को ऐसा कुछ शराब मिला तो एक ऐसा, खैर जो भी उसकी वास्तविकता हो, पर नहीं स्टेटस वगैरह बहुत आते रहते हैं इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो अब 5-6 लोग हैं, उन्होंने मिलकर के न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने का गोवा में प्लान बनाया। तो अब जब प्लान बनाएंगे तो सबसे पहले, अच्छा ये मैं इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, लिंक आप लोग कर सकें, ठीक है, कभी भूल ना जाए इस क्लॉजेस सब क्लॉजेस को, जैसे मैंने इसको अपने दिमाग में रखा। ठीक है, अब 5-6 लोगों ने प्लान बनाया कि हम चलेंगे गोवा। अब जब गोवा चलेंगे तो पहले तो क्या करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे कि यार गोवा चला जाएगा यार, और बढ़िया मजा आएगी, बेहतरीन है, वाघा बीच पे मस्त जो है पार्टी करेंगे, पूल पार्टी है ना, बीच पार्टी वगैरह। तो अब क्या किया उन्होंने, एक दूसरे से बातचीत की, प्लान बनाया, और जब बातचीत की प्लान बनाया तो वो कौन सी स्वतंत्रता हो गई उनकी, भाषण और अभिव्यक्त की, उन्होंने एक्सप्रेस किया, हो मजा आएगी यार, बेहतरीन डांस करेंगे ना, चलेंगे पार्टी में, तो ये सब क्या है, वाक और अभिव्यक्ति, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो पहला क्या हो गया, वाक और अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति, इसी वाक को ही हम कह देते हैं भाषण, ठीक है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति। आप अपने विचार रख सकते हैं, गोवा चलेंगे बेहतरीन है, मजा करेंगे ये वो। अब ये हुआ कि ठीक है चलो इस गोवा के प्लान को क्या किया जाए, एक्सक्यूट किया जाए, है ना। तो ये हुआ कि और मिलते हैं एक जगह, 5-6 लोग, अभी तो सबके मन में प्लान चल रहा था ना, फिर वो चलो एक जगह बैठते हैं और प्लान को एक्सक्यूट करते हैं। तो जब जो है एक जगह बैठे सब, तो क्या बन गया, सम्मेलन हो गया, सब और सम्मेलन। तो उन्होंने क्या किया, सम्मेलन एक जगह के इकट्ठा हुए बैठे उस पर बातचीत करने के लिए, तो पहले तो वाक और व्यक्ति, दूसरे नंबर पर क्या आ गया, सम्मेलन। तब एक जगह उस प्लान को एक्सक्यूट करने के लिए क्या किए ये लोग, सम्मेलित हुए, सभा और सम्मेलन किए। तो जो हमारा क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है वो कहता है कि लोगों को सभा और सम्मेलन का भी अधिकार है, इकट्ठा एक जगह हो सकते हैं लेकिन बिना हथियारों के और शांतिपूर्वक, है ना। तो सम्मेलन का अधिकार है, सभा और सम्मेलन का, और किस तरीके से, बिना हथियार एवं शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। अरे यार मार्का लाना भूल जाता हूं मैं अपने, ठीक। तो लोगों को सभा और सम्मेलन करने का अधिकार मिला हुआ है, और सभा और सम्मेलन किस तरीके से होगा,
बिना हथियार के होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा, ठीक है। अब सभा सम्मेलन हो गया, ये हुआ, हाँ यार चलेंगे मस्त गोवा, ठीक है, सम्मेलन एक जगह बैठ करके। अब ये हुआ कि इसके लिए क्या बना लीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए। भाई जब भी कहीं जाते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, जो भी चार पांच लोग हैं, चार पांच लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया तो उसमें सारी चीज़ें, अब सबको फोटो तुम भेजोगे अलग अलग, सही नहीं तो सीधे क्या होता है, नॉर्मली यही तो होता है, जहाँ भी जाते हैं तो ग्रुप बना दिया, गोवा ट्रिप, गोवा ट्रिप है ना, फ्रेंड्स विद, मतलब गोवा ट्रिप विद फ्रेंड्स, एक ग्रुप बन गया व्हाट्सएप ग्रुप, और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग क्या करेंगे, अब सब चीज़ें डालेंगे, फोटो वगैरह शेयर करेंगे, तो ग्रुप बन गया, यानी कि क्या बन गया, एक संघ बन गया, संघ बन गया ना। तो बस तीसरा अधिकार आपका यही है, संगठन और संघ बनाने का अधिकार, यूनियन यूनाइट होने का अधिकार, संघ बनाने का, अपनी कोई भी पार्टी पांच छह लोगों की इच्छा करे बना लो एक नई राजनीतिक पार्टी, लड़ जाओ इस बार का विधानसभा का चुनाव, तो अधिकार आजाद है ना पार्टी बनाने के लिए, ठीक है, जितने गारंटर चाहिए गारंटर है आपके पास, अब बस पहुंच जाओ और रजिस्टर करा लो, बना लो अपनी पार्टी, तो आपके पास अधिकार है किसी भी पार्टी, कोई भी नई पार्टी बनाने का अधिकार, किसी भी नई पार्टी, किसी भी पार्टी में जुड़ने का अधिकार, कांग्रेस का कार्यकर्ता है बीजेपी में शामिल हो जाएगा, कोई रोक सकता है क्या, सपा वाला बसपा में हो जाएगा, बसपा वाला बीजेपी में हो जाएगा, तो अपनी नई पार्टी बनाने का अधिकार, किसी भी पार्टी में शामिल हो जाने का अधिकार, या किसी भी पार्टी को छोड़ देने का अधिकार, ठीक है, ये सारे अधिकार किसमें आ जाएंगे, क्लॉज आर्टिकल क्लॉज वन सब क्लॉज सी के अंदर, मतलब कोई भी पार्टी, वही चीज़ है ना, संगठन, संगठन मतलब क्या, पार्टी संगठन और संघ बनाने का अधिकार, यूनियन, ये भी आपको संविधान में मिला हुआ अधिकार है, ठीक है, संगठन और संघ बनाने का अधिकार। हाँ लेकिन यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि कुछ हैं जिनको ये अधिकार नहीं मिला हुआ है संगठन और संघ बनाने का, जैसे कि फोर्स, पुलिस है ना, जैसे मतलब जो सेंसिटिव उस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, खुफिया एजेंसियाँ, अब वो अपना स्वभाव संगठन बनाने लगे, वो बना लें संघ अपना और कह जाएँ कि धरने पर बैठ जाएँ कि हमारी जो है मांगे पूरी करो, नहीं तो कहा है अब जा ही नहीं रहा, वहाँ चाइना खड़ा है बिल्कुल, तो ताने और सभा संगठन बना के बैठ गए सब धरने में, खुफिया विभाग वाले सब के हम बताबे ना करेंगे कहाँ कहाँ तोपे लगी हैं, लो कर लो, तो इसलिए इन सबको क्या किया गया है, इन सब की इन अधिकारों को रोक उनको सीमित कर दिया गया है ना। तो अभी हम जब इनके एक एक करके बात करेंगे तो अभी उन सबका हम बातचीत करते हुए चलेंगे, केस स्टडी सहित और सारी चीज़ें। अब संघ बन गया, अब संघ बन गया, अब आप लोग चले गए घूमने, घूमने चले गए तो आप गोवा, गोवा गए घूमने तो आपको कोई रोकेगा क्या कि यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, चाहे जाओ से बीच में इच्छा करे जाओ, हाँ रोका जा सकता है कि अगर किसी बीच पर मान लीजिए कोई ऐसा, ठीक है, पता चले कि उस वो बीच जो है बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जाने से रोक दिया जाएगा कि नहीं वेलिंगटन बीच पर आपको नहीं जाना, वहाँ पर जो है शार्क आ चुकी है, उस उनमें क्या टहल रही शार्क, तो अब आप कहते नहीं ये तो हमारे अधिकार है, ये कौन सा अधिकार है, आप पुलिस वालों से कहने लग जाएं कि ये तो हमारा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी है, कहीं पर भी विचरण करने का अधिकार है ना। तो अब आप जब गोवा जाएंगे तो अबाध रूप से, अबाध रूप से कहीं भी विचरण का अधिकार, विचरण यानी घूमने का, विचरण का अधिकार ये देश के रिस्पेक्ट में है, कहीं भी आप पूरे देश में घूम सकते हैं। लेकिन आप कहते हो कि नहीं हम नागालैंड में जाएंगे, अब कहते हम नागालैंड में हम घुसेंगे और वहाँ लगी कौन, वहाँ लगा है अफस्पा, और तो तुम घुसे जबरदस्ती, तो जहाँ तुम्हें पा गए आर्मी वाले तो तोड़ेंगे तुम्हें कायदे से, तो फिर तुम जाओगे सुप्रीम कोर्ट के हमारे तो ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का उल्लंघन है हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट कहे गए कहे थे जब वहाँ अफस्पा लगा, पढ़े नहीं होगा, जहाँ अफस्पा लगा होगा वहाँ आपके ये अधिकार खत्म। भाई देखते हो वहाँ इनर लाइन परमिट आपको मिलता है, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड इनमें आपको क्या मिलता है, इनर लाइन परमिट, आपको उस राज्य में जबकि देश का हिस्सा है, आप कहते हैं कि भाई ये तो देश का हिस्सा है तो हम क्यों हम इनर लाइन परमिट, एक तरीके से वीजा, दूसरे देश में जाने के लिए आप वीजा लेते हैं, अपने देश में जाने के लिए आप क्या लेंगे, इनर लाइन परमिट, आपको अनुमति मिलेगी कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब तक के लिए जा रहे हैं, कब लौट के आएंगे, सब आपको बताना पड़ेगा, और बस उसी समय के लिए वैलिड है, और उसके आपको दे दिएगा कि आज 11 बजे तक की आपके पास परमिट है, और उसके बाद अगर आप 12 बजे पकड़ गए तो आप तोड़े जाएंगे, ठीक है। अफस्पा अभी देखे नहीं, अभी नागालैंड में बड़ा उसका विरोध चल रहा है अफस्पा का, लगभग 14 लोगों को आर्मी वालों ने मार दिया था इस शक के आधार पर कि नक्सलवादी हैं, तो बड़ा वहाँ पर विरोध चल रहा है अफस्पा का,
लेकिन सर ये था कि हो सकता है फसपा हट जाए, लेकिन सरकार ने उसको और 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया फसपा को, अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, है ना। तो अब आप कह दो कि हमें तो आबाद रूप से विचरण का अधिकार है और आप जाना चाह रहे हैं वेलिंगटन द्वीप, वहाँ पर टहल रही सार्क, तो आपको जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिएगा, क्यों? क्योंकि आपका आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा अगर आपको ये वाला अधिकार दे दिया, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, आपका जीवन, तो उसके लिए ये इसको हटाया जा सकता है। तो अब आप बढ़िया गोवा घूमें बेहतरीन, आबाद रूप से विचरण करें। अब आपको गोवा बड़ा पसंद आ गया, गोवा आपको बड़ा पसंद आ गया कि यार बेहतरीन यहीं रहा जाए, अब यहीं रहा जाए तो आप गोवा में बस सकते हैं, किसने रोका है आपको, है ना। तो कहीं भी निवास करने एवं बसने का अधिकार, कहीं भी निवास करने और आबाद रूप से बसने का अधिकार। अब आपको कौन रोका है, चाहे आप मध्य प्रदेश में आप फ्लैट खरीद लो, चाहे आप छत्तीसगढ़ में खरीद लो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में भी खरीद लो। लद्दाख वालों की यही समस्या है, इसी में उनको टेंशन है लद्दाख वालों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो कहीं भी आदमी खरीद सकते, तो बहुत सारे लोग लद्दाख जा करके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि बेहतरीन, अब चूंकि पता है कि भाई लद्दाख वगैरह का बड़ा डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो अभी वहाँ प्रॉपर्टियाँ वगैरह बड़ा सस्ती हैं, तो जो भी बड़े बिजनेसमैन सब जाके अब इस समय खूब लद्दाख में खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, तो लद्दाख वालों को ये अलग टेंशन है कि यहीं ये सब बाहरी आकर सब घुसे जा रहे हैं, तो वो रोक लगा रहे हैं कि हमको क्या कर दीजिए, हमको शेड्यूल 6 में शामिल कर दो, 8-9 में डिस्ट्रिक्ट हमको पावर दे दो, बात सुनाई। तो खैर अब मान लीजिए जहाँ लगा अवस्था, या पहले अगर मैं बता दूँ जब लगा था आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में, तब क्या ये आपका अधिकार आप पूरा कर सकते थे क्या? आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते थे जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा था? अभी नागालैंड में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, अरुणाचल प्रदेश में आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो सरकार क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, बट और कहीं भी जैसे आप गोवा घूमने गए, आपको बड़ा अच्छा लग गया, खरीद लो गोवा में प्रॉपर्टी, क्या दिक्कत है, पूरा आइलैंड खरीद लो, है ना। तो आपको ये भी अधिकार मिला हुआ, कहीं भी निवास करने और बसने का अधिकार। अब वहाँ बस गए तुम, तो बस गए तो तुमको पैसा तो चाहिए, बस गए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संपत्ति अर्जित करना पड़ेगा, मतलब सॉरी पैसा ना कहे, मैं कह दो संपत्ति अर्जित, भाई बसना तुम चाह रहे हो, अब बस गए जब मान लीजिए अभी किराए का तुमने होटल में रह लिया, होटल लेकर के तुम रह रहे हो आराम से, लेकिन कब तक होटल में रुकोगे, कभी ना कभी तो संपत्ति अर्जित करोगे भाई कब तक होटल में रहोगे, घर तो खरीदना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें परमानेंट रहना है। तो ये भी आपको अधिकार मिला हुआ था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के तहत, कि आप जहाँ भी आप बसना चाह रहे हैं वहाँ पर आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। तो ये अधिकार क्या था, ये था संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। दोनों में अंतर है, आर्टिकल 31 और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ दोनों में अंतर है, ये है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, और वो है संपत्ति का अधिकार, जो आपकी संपत्ति है पुरानी पैतृक, उस सब को उस सब को जो है सेव करके रखना, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। यह है संपत्ति का अर्जित करना, फ्लैट खरीदना, जमीन खरीदना, कोई अब गोवा जाओगे तो वहाँ परमानेंट रहना है, सेटलमेंट होना है, तो क्या करना पड़ेगा, फ्लैट खरीदना पड़ेगा। तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ये भी आपको मिला हुआ था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, 44th अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया, 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से इसको निरस्त कर दिया गया, समाप्त हो गया। तो अब ये क्या हो गया, समाप्त। अब आपको फ्लैट खरीदना है, तो मान लो फ्लैट तो चलो ठीक है कि पिताजी से पैसे वैसे मंगवा लिए और जो भी सेविंग गेविंग थी उस सबसे तुमने फ्लैट खरीद लिया, संपत्ति अर्जित कर ली, लेकिन अब तुम चूंकि परमानेंट रह रहे हो तो कब तक तुम्हारी सेविंग चलेगी, और जब परमानेंट रह रहे हो तो फिर तुमने सोचा कि लाओ ऐसा करते हैं बाघा बीच पे एक होटल डाल लेते हैं, एक बढ़िया कैफे डाल लेते हैं, या फिर क्लब कल्चर तो है ही, डिस्को क्लब कुछ डाल लेते हैं। तो अब आपको क्या, आपको कुछ ना कुछ व्यापार करना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको प्रोफेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर कमाने के लिए अपने आय का सृजन करना पड़ेगा ना, बस ये भी आपका अधिकार है, ठीक है। कोई भी व्यापार वृत्ति प्रोफेशन को क्या कहेंगे, पेशा, ठीक है, कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार। अब वहाँ गोवा में तुम चाहे तुम टैक्सी चला लो, और चाहे नारियल पानी बेच लो, और चाहे डिस्को खोल लो, है ना, और चाहे चाय, और चाहे
दारू तो नहीं आसानी से बेच सकते, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी पेशा अपना सकते हैं भाई। आप सरकारी नौकरी वहाँ की निकाल लीजिए भाई, आपको रहना है वहाँ की सरकारी नौकरी निकाल लीजिए, गोवा पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम दीजिए जो भी अगर हो रहा है, अब बस आराम से उस क्या कर लीजिए, ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी आप प्रोफेशन अपना सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ये भी आपको अधिकार मिला हुआ है ना। तो बस बेहतरीन, आप गोवा में सेटल हो गए। तो बस आपके प्लानिंग से लेकर के और गोवा में सेटल होने तक क्या हो गया, आर्टिकल 19 हो गया। कोई व्यापार वृत्ति, अरे वृत्ति मतलब होता है कुछ भी करना, कोई भी काम कर लेना, ठीक है। पेशा कुछ भी, अरे भावना को समझो ना, वर्ण में कह जा रहे हो, मतलब कोई भी काम करने की सुनता, ठीक है, अपने आजीविका के अर्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इस कुछ में भी मतलब ये नहीं है कि ओहो रशिया से बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब जब रशियन आ रहे हैं तो मोस्टली जो भारत में दो जगह जो अंग्रेज आते हैं यूरोपियंस, या मतलब कोई भी टूरिस्ट आता है, दो जगह ऐसे जो जगह हैं जहाँ जाने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है, एक मनाली में कसोल वैली, स्लॉन्ग वैली और कसोल वैली, दो नाम सुने होंगे। स्लॉन्ग वैली आप जाएंगे तो वहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग करेंगे, हॉर्स राइडिंग करेंगे, ये सब चीज़, और कसोल वैली जाएंगे तो वहाँ मस्त जो है अफीम, ठीक है। तो जो हमारा जो कसोल वैली है मनाली का, तो कसोल वैली फेमस इसीलिए है, वहाँ कोई भी बाहर से टूरिस्ट आएगा वहाँ अगर वो जा रहा है तो वो फेमस इसीलिए है अपने अफीम वगैरह के लिए, ड्रग्स अफीम गांजा बहुत वहाँ कसोल वैली उसके लिए फेमस है। देखिए सीधी सी बात है ना कि अब जो है चीज़ें वो फिर से वही चीज़ें आदर्शवाद और यथार्थवाद मंत्र होता है ना, है हमारे यहाँ नहीं उसका अपडेट कर सकते, लेकिन अब वहाँ मिल रहा है भाई, वहाँ की जो लोकल पुलिस है इस सबसे उनका सबसे सिटिंग है तो उसके उससे चल रहा है बेहतरीन। तो वहाँ पर होती है एक पार्टी होती है, वहाँ बड़ी फेमस रहती है पार्टी, ठीक है। हाँ मैं स्लॉन्ग वैली तक हुआ, कसोल वैली नहीं गया। हाँ तो एक वहाँ पार्टी होती है, अच्छा उस पार्टी का नाम ही है जो है मतलब टूरिस्ट के लिए ही होती है, उसका कुछ नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो मुझे जो ड्राइवर था वो बता रहा था कि कौन सी पार्टी होती है, मतलब ये पूल ये क्या कहते हैं, मतलब वहाँ सब जितने भी टूरिस्ट हैं वो सब होते हैं इकट्ठे, और वहाँ बेहतरीन वो जो ड्राइवर था तो दिखा भी रहा सर इतनी सी थी और कह रहा सर ये इसके लिए सब जाते हैं कसोल वैली, एक कसोल वैली मनाली और दूसरा गोवा, भारत में दो ऐसी जगह है जहाँ आते ही टूरिस्ट इसीलिए हैं, ठीक है। अब आप कह दो कि बेहतर अब तो यहाँ हमने फ्लैट ले लिया, अब हम क्या करेंगे, अफीम का व्यापार करेंगे क्योंकि उसी की यहाँ डिमांड है, ठीक है। तो आपने कहा अफीम का व्यापार या कुछ और व्यापार, तो अब क्या है, अब ऐसे व्यापार जिसकी परमिशन कानून नहीं देता वो आप नहीं कर सकते। अब सुल्तान मिर्जा थोड़ा बन जाएंगे कि मैं ऐसे केवल काम नहीं करता जिसकी मेरा जमीर नहीं देता, है ना, और ऐसे काम मैं करता हूँ जिसकी इजाज़त कानून नहीं देता, तो अब आपका सुल्तान मिर्जा थोड़ा बन जाएंगे, आप कानून के विरुद्ध जाके आप व्यापार करने लगेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी व्यापार अपना सकते हैं एक्सपेक्ट ऐसे व्यापार जिसकी इजाज़त आपको कानून नहीं देता, आप जमीर दे या ना दे उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है जी, ठीक है। चलो अब देखें हम लोग थोड़ा सा, तो ये भी एक निर्बंधन लग गया लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, दिस इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ओके। अब चले हम लोग, ये आपका जो वाक और अव्यक्त का अधिकार है बहुत व्यापक है, वाक और अव्यक्त का अधिकार बहुत व्यापक है, और उसमें भी वाक तो ठीक है भाषण आप बोल रहे हैं, ठीक है बोलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अव्यक्ति है यानी एक्सप्रेशन है ये बहुत व्यापक है, ठीक है ना। वाक तो फिर भी ठीक है लेकिन जो ये अव्यक्ति वर्ड इसमें दिया है, ये अव्यक्ति वर्ड बहुत व्यापक है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब कहा गया कि आप अपने अगर अव्यक्ति के अधिकार का आप प्रयोग कर रहे हैं तो भैया अव्यक्ति के अधिकार के प्रयोग के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं उसके लिए, भाई अब आपको कुछ भी बोलना है कुछ भी एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए भाई साधन तो होने चाहिए ना। अब मान लीजिए आपको कोई स्पीच देनी है खड़े होकर के, अब अगर मैं कह दूँ यहाँ के कोई स्पीच दो तो उसके लिए क्या आपके लिए आवश्यक है कि वो जो जिस चीज़ में के लिए आप स्पीच देने वाले हैं उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए, और जानकारी आपको कैसे मिलेगी, न्यूज़पेपर वगैरह से, ठीक है इंटरनेट से। तो बस आपके ये इसी जो अव्यक्त के अधिकार हैं उसी को ही पूरा करने के लिए समय समय पर केस आते रहते हैं,
वो भी आपका अधिकार है, वो भी तो एक्सप्रेस ही है, एक्सप्रेशन ही तो है, ठीक है। तो आपके इसी अव्यक्त के अधिकार को ही पूरा करने के लिए बहुत सारे अधिकार उससे क्या है, उससे रिलेटेड इनडायरेक्टली बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए, जैसे कि न्यूज़पेपर जो है, जो समाचार एजेंसियां हैं, ठीक है, ये समाचार पत्रों को, जो न्यूज एजेंसियां, इनको जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, तो वो स्वतंत्रता एक्चुअली में न्यूज़पेपर एजेंसियों का कोई वो नहीं है, वो स्वतंत्रता उनको मिली हुई है कि क्योंकि लोगों के आर्टिकल 19 क्लॉज में सब क्लॉज ए पूरा हो सके, एक तरीके से पूरक है वो सब, ये 19 क्लॉज में सब क्लॉज ए के पूरक हैं सारे अधिकार जिनकी मैं बात करूंगा, जैसे कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। भाई मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर बैन कर दिया गया, कोई न्यूज़पेपर क्या हो गया, बैन कर दिया गया, अगले दिन मीडिया के चलने लगेगी, लोगों के वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता का यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, हनन कर रही है वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि अगर आपकी न्यूज तक आपकी पहुँच नहीं है, आपको सरकार की नीतियों के बारे में पता नहीं है, तो आप कैसे सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं, कैसे आप अपने किसी जजमेंट पर पहुँच सकते हैं, आप कैसे आप कोई भी भाषण और अभिव्यक्ति दे सकते हैं। भाई आपको आपकी सूचना तक पहुँच तो आपकी होनी चाहिए ना, तो सूचना तक पहुँच कैसे हो सकती है, न्यूज़पेपर के द्वारा। मोदी थोड़ा फोन करके बताते हैं कि ऐसे नोटें बंद हो गई, वो तो न्यूज़पेपर बताता है ना। तो इसलिए न्यूज़पेपर को जो पावर मिली हुई है वो कहाँ से आई है, 19 क्लॉज वन सब क्लॉज ए से, एक दो केस स्टडी सी करेंगे तो न्यूज़पेपर को यहाँ से पावर मिली है, ठीक है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, मीडिया समाचार पत्र सब इसी में है, ठीक है, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, कुछ भी हो, ठीक, ओके। आपका जो है अब ये समाचार पत्र वगैरह, एक तो आप इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन के अधिकार को आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा आजकल जो नया वो है सब, अब बिना इंटरनेट के आप कुछ नहीं कर सकते, एक दिन इंटरनेट बंद कर दो, बिल्कुल किसी भी आप इंफॉर्मेशन से आप अवेयर नहीं हो पाएंगे। तो अब ये नया लेटेस्ट, भाई जैसे जैसे चीज़ें वो होती जाएंगी वैसे वैसे नए नए केस जाते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करती जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का ही काम है ना कि चेक करना कि ये इसको कहाँ से अधिकार मिल रहा है, पावर इसको कहाँ से मिल रही है, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो किस क्या नुकसान हो सकता है। तो अभी जब इंटरनेट वगैरह काफ़ी जगह क्या हो, जैसे कि सपोज इंटरनेट बंद कर दिया गया, तो वहाँ पर लोग क्या कहेंगे कि भैया हमारे 19 क्लॉज सब क्लॉज का उल्लंघन हो रहा, सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत क्या करेगी, भाई सरकार ने सपोज सरकार ने जम्मू कश्मीर में बंद करा दिया इंटरनेट, जम्मू कश्मीर वाले पहुंच गया कोर्ट कि ये जो इंटरनेट बंद हो गया ये भी क्या है, हमारे 19 क्लॉज सब क्लॉज का उल्लंघन है, तो सब पूछेंगे ये कैसे हो गया, इंटरनेट का कहां से हो गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं, जो इंटरनेट का अधिकार है वो भी क्या है, इसी को पूरा कर रहा है। भाई आपके पास मोबाइल होता तो आपको सर आप अवेयर रहते हैं चीज़ों से, और इंटरनेट ना हो तो आप अवेयर नहीं रहेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है समय समय पर क्या करना, व्याख्या करना, चीज़ों को शामिल करते जाना। आज से 10 साल पहले नहीं था इंटरनेट का अधिकार, लेकिन आज क्या हो चुका है, इंटरनेट भी आपका अधिकार हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट जो है वो आपके 19 क्लॉज वन सब क्लॉज ए को पूरा कर रहा है। तो एक्चुअली में इंटरनेट आपका कोई अधिकार नहीं है, वो आपका साधन बन रहा है इसको पूरा करने के लिए, और जो भी साधन बनेंगे उसको देना जरूरी है। मेरी बात समझ आ रही, क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, इंटरनेट का अधिकार, सूचना तक पहुंच का अधिकार। अब आपको बीजेपी के बारे में कुछ अपना एक डिसीजन तैयार करना है कि मैं वोट दूं कि ना दूं, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो है जो बीजेपी है वो कौन कौन सी योजनाएं चला रही है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं, और जब आपके लिए फ़ायदेमंद चलाई होंगी योजना तभी आप उसको वोट देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी सूचना मांग सकते हैं पीएमओ से, किसी भी कार्यालय से, पीडब्ल्यूडी से, आप सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपको जानना है, आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी बात कि ये जो हाईवे बन रहा है इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कितना खर्चा आया है, किसको टेंडर मिला है, ये सारी चीज़ें आपको जानने का अधिकार है। क्यों? 19 क्लॉज वन सब क्लॉज ए पूरा करना है। तो अब आपको अब ऐसा तो है, अब आप पहले तो आप जाते थे पीडब्ल्यूडी कार्यालय में और आप मांगेंगे उसके जो भी बाबू अबू है कि बताओ, तो गरिया के भगा देगा, कहे तुमको बताएं, डीएम हो तो मैं आके भगा देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो आपके अधिकार का हनन हो गया,
भाई आपको तो NHAI के बारे में कुछ अपना डिसीजन बनाना था और आपको पता ही नहीं चल पा रही कि क्या उसमें, मतलब जो भी चीज़ें हैं अंदरूनी बात आपको पता ही नहीं चल पा रही, तो आपके तो 19th सबक्लॉजी का आपका क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, पूरा नहीं हो पा रहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि सूचना का अधिकार भी अब क्या माना जाएगा, 19th सबक्लॉज ए के अधीन आएगा, अंतर्गत, यानी आपकी सूचना तक आपकी पहुँच क्या होगी, सूचना तक आपकी पहुँच उपलब्ध कराई जाएगी। और उसी से सूचना का अधिकार 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI आता ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI कब आया, 2005 में। तो 2005 से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको अधिकार है कोई भी सूचना मांगने का। अब आप लिखिए, सूचना मांगिए आप किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी चीज़, तो आपको सूचना मिलेगी और उसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है, पूरा क्या बना दिया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, अभी लिखेंगे हम, ठीक है, सूचना आयोग बन गया, सूचना आयोग, ठीक है। अब ये एक्चुअली जो सूचना आयोग बना है ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टेचुटरी बॉडी है, सांविधिक, सूचना आयोग क्या है, सांविधिक निकाय है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने क्या किया, कानून पास किया और कानून पास करके बस सूचना आयोग का निर्माण करा दिया, समझे। तो 2005 में क्या आ गया, सूचना आयोग RTI Act। अब आप किसी भी सूचना तक आपकी पहुँच अवेल उपलब्ध होगी, लेकिन अब आप कह दें कि बताइए ब्रह्मोस मिसाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, भारत का जो है न्यूक्लियर वेपन कहाँ पर रखे हैं, S-4 जो अभी नई पनडुब्बी, अभी देखो 3-4 दिन पहले एक नई पनडुब्बी न्यूक्लियर जो अटैक पूरा कर सकती है, पूरा उससे लैस है, किसी को पता नहीं था, नवंबर में लॉन्च कर दिया था गवर्नमेंट ने, बताया ही नहीं किसी को, भाई क्या है ये, खुफिया उसके लिए थी ना, बिल्कुल नहीं बताया सरकार ने, नवंबर में वो लॉन्च भी कर दिया, उस समुद्र में उतर भी चुकी है, ठीक है, पहली अरिहंत थी, फिर अरिघात, और ये इसका नाम दिया गया अरिहंत 2, बट अभी तक इसका कोई ना इसकी जो है वो किया गवर्नमेंट ने कि भाई उसका पूरा फीता उता बकायदा काट करके, और नहीं सरकार जो करती है पूरा कुछ नहीं किया गया, खुफिया तरीके से उसको लॉन्च कर दिया गया। और ये किसने इस न्यूज को ब्रेक किया, ब्रिटिश न्यूज एजेंसी ने भाई, उसने पूरा एक ब्रिटिश न्यूज एजेंसी है पूरा, उसने सैटेलाइट की इमेज लेकर के बताया कि अरे तो इंडियन गवर्नमेंट तो एक तीसरी पनडुब्बी बना चुकी है और बना करके उसको उतार भी दिया समुद्र में। भाई अभी तक भारत के पास 2 पनडुब्बियाँ थी केवल जो न्यूक्लियर वेपन से लैस थी, तीसरी बना दिया और उससे ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा ताकतवर है। तो अब आप कह दें कि हमें जो है आप लिख करके बोलेंगे हमें उस पनडुब्बी के बारे में बताओ, तो कहे तो गवर्नमेंट बताएगी, नहीं बताएगी। तो ऐसे जो भी सूचनाएं जिससे कि इंटरनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब में छेड़ आ सकता हो, इन सब में क्या हो सकती है, कोई ब्रीच आ सकती हो, नुकसान, तो ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएंगी। बस समझे, अभी 2016-17 में जब अटैक हुआ था उरी पुलवामा या उरी वाला, तो उसमें NDTV वाला पत्रकार न्यूज में चिल्ला के बता रहा है कि जो है जो आतंकवादी हैं वो उस बिल्डिंग तक आ चुके हैं और उसके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग में हमारे वेपन्स रखे हुए हैं। भाई इसमें बड़ा होल्ला मचा था कि अगर न्यूज एजेंसी को अधिकार मिला हुआ है टेलीकास्ट करने का, तो अब ये तो एक तरीके से इंटरनल हमारी सिक्योरिटी पर थ्रेड हो गया ना, बगल वाले कमरे में आतंकवादी हैं और उनको पता है नहीं कि जस्ट बगल वाले कमरे में वेपन्स हैं और तुम उनको बताए दे रहे हो, तो वो भी तो भाई पूरे जो भी उसको मॉनिटर कर रहा हूँ टेररिस्ट को, तो वो भी तो न्यूज़ देख रहा है, तो उनको बताएगा फ़ोन करके कि तुम्हारे बगल वाले कमरे में क्या वेपन्स रखे हैं, तो अब वो क्या कोशिश करेंगे बगल वाले कमरे में जाने की, वेपन्स लाने की, तो ये क्या है, असीमित तो नहीं है कोई अधिकार। तो बड़ा उसमें NDTV वाले के ऊपर बड़ा उछला था, तमाम उन्होंने फिर माफ़ी मांगी। तो अब आपके वाक और वेक का मतलब ये थोड़ा कि आप असीमित हैं, बता दो उनको कि हमारा यहाँ पर ये चीज़ रखी, वहाँ पर ये चीज़ रखी है, अब उनको क्या पता, तुम खुद ही बता दे रहे हो कि वहाँ चले जाओ बगल वाले में चले जाओ, तुम उनको बता है रहे हो कि यहाँ का कर रहे हो, बगल वाले कमरे में जाओ वहाँ बड़े वेपन्स रखे हैं, तो उनको क्या पता, ठीक है। तो ये है मतलब जो न्यूज़ एजेंसियाँ भी वो भी कभी कभी क्या करने लगती हैं, असली मतलब अपनी लिमिट क्रॉस करने लगती हैं, वहाँ पर फिर कोर्ट तुरंत उनके ऊपर क्या लगाएगी, रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, जहाँ लगाएगी तो चिल्लाएंगे वाकर अभ्यक्ति, ठीक है। तो मतलब हर जगह क्या हो सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सूचना तक पहुंच का अधिकार भी आपके इसी को पूरा करने के लिए है, इंटरनेट भी इसी को, समाचार पत्र सुविधा इसी को, ठीक है।
आपके वोट देने का अधिकार, वोट का अधिकार, वो भी तो आपका एक्सप्रेशन है कि हम नहीं पसंद कर रहे हैं सपा को, या फिर नहीं हम पसंद कर रहे हैं बीजेपी को, तो वो आपका क्या है? आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ना अपने वोट के द्वारा। आप चिल्ला चिल्ला के थोड़ा बता रहे हैं, आपने क्या किया, वोट डाल दिया। तो आप जिसको नहीं पसंद कर रहे आपने उसके अगेंस्ट वोट डाल दिया, तो क्या हो गया? वो भी आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है एक्सप्रेशन। तो वोट का अधिकार अगर आपसे पूछा जाए तो वोट का अधिकार भी कहाँ पे आ जाएगा? 19+1 सब क्लॉज ए को पूरा करने वाला है, ठीक है, वोट देने का अधिकार। और देखिए विज्ञापन का अधिकार, विज्ञापन का अधिकार भी आपके एक्सप्रेस आपके इसी वाक और अव्यक्त को पूरा कर रहा है। विज्ञापन का भी अधिकार, भाई आपको अपनी कोई बात पहुंचानी है किसी तक, अपनी कोई भी बात पहुंचानी है किसी तक, तो आप क्या कर सकते हैं? विज्ञापन करेंगे। भाई विज्ञापन क्या होता है भाई? जो ये होर्डिंग भी है, चलो बीजेपी की होर्डिंग है, तो बीजेपी भी उसमें क्या लिखवाएगी कि जो है 2017 से पहले उत्तर प्रदेश ऐसा, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा, तो वो क्या अपना एक्सप्रेशन ही तो बता रही है ना, अपनी बात तो वहाँ तक पहुँचा रही है ना। अब वो एक एक लोगों से पकड़ पकड़े थोड़ा बता रहे कि धराओ देखो हमने ये काम किया, 17 से पहले ऐसा काम था, 17 के बाद ऐसा काम है ना, तो उन्होंने क्या होर्डिंग लगवा दिया, विज्ञापन कर दिया, तो लोगों को पता चल गई लोगों को बातें कि हाँ ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, रीजनेबल रजिस्ट्रेशन लग सकता नहीं लग सकता? अब वो भी उखाड़ेंगे, कब उखाड़ेंगे? जब आचार संहिता लग जाएगी। अरे ठीक है, मैं कह रहा हूँ आचार संहिता से पहले तुम कह रहे हो उखाड़ देते हैं, तो भैया नगर पालिका तुमने अनुमति ले रखी है क्या? तुम तो फर्जी का लगाए पड़े हो ना जबरदस्ती में। भाई जो साइट्स होती हैं नगर पालिका जिनका टेंडर देती है उसमें नहीं आपकी हटाई जाएंगी वो साइट्स, उसका टैक्स ले रही है नगर पालिका। अब तो फर्जी का तुम सारे खंभों में पोलों में दीवालों में सब फर्जी टांगे पड़े हो, तो वो कहे को वो थोड़ा आपका अधिकार है, जहाँ मन करे वहाँ जाके वो कर दो, लगा दो। आप जाइए आप होर्डिंग्स में उसमें लगाइए, साइट्स में पैसा दीजिए उसका लगाइए, ठीक है ओके। तो ये आपके अभिव्यक्ति, ये क्या हो गया, विज्ञापन का अधिकार आपके एक्सप्रेशन को पूरा कर रहा है वाकर अभिव्यक्ति को, अपनी कोई भी बात आपको प्रसारित करनी है विज्ञापन के द्वारा। भाई जैसे कि शैम्पू एजेंसियाँ, शैम्पू कंपनियाँ पहले क्या चिल्ला रही हैं, शैम्पू लगाओ शैम्पू लगाओ, मतलब बता रही हैं कि बेहतरीन काले लंबे बाल हो जाएंगे, ठीक है, अपनी बात उन्होंने पहुँचाई तुम तक। भैया आदमी मस्त खुश था, बेहतरीन मुल्तानी मिट्टी लगा रहा था, अब बेहतरीन जो पा जा रहा था गाँव में, औरतें देखो निरमा से मांजे ले रही हैं डिटर्जेंट से बाल, अब बाल बेहतरीन, न सफ़ेद बाल न झड़ रहे कुछ नहीं। अब कंपनियों ने क्या चलाना चालू किया, शैम्पू लगाई काले घने बाल, अब शैम्पू लगाना चालू कर दिया, अब बाल टूटने लगे, तो अब वो क्या कहेंगी, वो कंपनियाँ क्या विज्ञापन देंगी कि टूटते बालों से बचने के लिए फलाना शैम्पू अब लगाइए। भाई पहले शुरुआत में तो उन्होंने बताया ना कि भाई टूटेंगे बाल इससे, अब उन्होंने लगवा दिया। ये होती है मार्केट स्ट्रेटजी, इससे क्या होती है, डिमांड होती नहीं, डिमांड जनरेट करनी पड़ती, इकोनॉमी का लॉ है, डिमांड होती नहीं है कुछ, डिमांड जनरेट करनी पड़ती है, नहीं थी यार मार्केट पहले, सोच लेती कंपनी कि भाई भारत में कहाँ कोई शैम्पू लगाएगा, तो उन्होंने शैम्पू बनाया और लोगों को क्या किया, विज्ञापन खूब किए कि शैम्पू लगाओ, बढ़िया लोगों ने मस्त शैम्पू लगाया, बाल टूटने लगे, तो कहा दो मुँह है और टूटते झड़ते बालों के लिए फलाने जो है सीरम लगाइए, कंडीशनर, हाँ शैम्पू आया, शैम्पू के बाद फिर क्या चलना है कंडीशनर, कि अब आपके बाल शैम्पू लगा लगा क्या हो चुके हैं रूखे, तो रूखे हो गए हैं तो आप लगाइए कंडीशनर, कंडीशनर की आदत बना दी लोगों को, कंडीशनर लगाए अब का चिल्ला रहे हैं बाल दो मुँह हो रहे हैं पतले हो रहे हैं, कंडीशनर से बाल सिल्की होते ना, पतले होते हैं बाल, होते कि नहीं होते, कंडीशनर से बाल पतले होते हैं इसलिए कंडीशन लगाया जाता है कि सिल्की हो जाए बाल बढ़िया पतले हो जाए, अब पतले अब चिल्ला रहे हैं क्या, पतले बालों से रक्षा के लिए अब क्या करिए, बचने के सीरम लगाइए, सीरम आ रहा है हाँ ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर का भी आ जा रहा है, अब ये सब करोगे तो बाल तो टूटबे करेंगे ना, बाल तो सफ़ेद होंगे ही, तो अब नया चिल्ला रहे हैं सफ़ेद बालों से बचने के लिए फलाने डाई लगाओ। तुम देखो एक ही कंपनी के हैं वो सारे प्रोडक्ट, मोस्टली सब वही बना रही है, शैम्पू कंडीशनर सीरम, और फिर उसके बाद अब इतना सब लगाओगे तो बाल तो वाइट होंगे ही, और जब बाल वाइट होंगे तो फिर वही तुमसे क्या कह रहे हैं कि बेहतरीन जो है कलर लगाइए, ऐसा कलर लगाइए कोई जाने ना सके कि आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो ये सब क्या है, अब उसमें जो है लगा दे जो है सुप्रीम कोर्ट रोक कि नहीं आप विज्ञापन नहीं करेंगे। सर इसमें
तो फेयर एंड लवली के ऊपर हुआ तो था केस। फेयर लवली कह रही है 7 दिनों में गोरा हो जाओ गोरा हो जाओ, तो एक व्यक्ति ने जो है केस कर दिया कि मैं तो तो फिर भी तो 7 दिन में तो अब लगाओ तो 7 दिन और कल आओ बिल्कुल चमक रही हो बिल्कुल बेहतरीन तो मैं जानूँ। तो एक एक व्यक्ति ने एक स्टूडेंट ने वो किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था उसने केस कर दिया कि मैं पिछले 8 या 10 साल से मैं फेयर एंड लवली लगा रहा हूँ, मेरे कलर नहीं डाउन वो हुआ फेयर हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ अब देखो प्रचार बदल चुके हैं, अब फेयर लवली सीधे ये नहीं कहते कि 7 दिन में आप गोरा हो जाइए, अब कहते 7 दिनों में निखार आ जाएगा या फिर मतलब अब देखिए उनकी अब मुझे एग्जैक्ट तो एडवर्टीजमेंट याद नहीं बट उन्होंने अपनी लैंग्वेज बदल ली है फेयर एंड लवली वालों ने। अब ये नहीं कहते 7 दिनों में आप गोरे हो जाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ, अब वो कहते हैं कि आपका जो टोन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो पहले सीधे दावा करते थे सीधे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उनसे कहा कि अगर आप दावा करें तो आप गारंटी लीजिए कि साथ उस लड़के ने इसी में केस किया क्योंकि वो भाई तो वो सीधे सीधे दावा कर रहा है ना कि 7 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, उसने पूरा बिल बकायदा रखे था वो इतने सालों के पूरे बिल रखे था, जब जब उसने फेयर लवली खरीदी सारे बिल रखे था और पूरा उसने सब जो है कोर्ट में पेश किया कि मैं तो इतने सालों से लगातार लगा रहा हूँ मेरा एक भी पॉइंट मेरा टोन नहीं चेंज हुआ। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फेयर लवली के ऊपर फाइन लगाया, उसको जो है तमाम फटकार लगाया, कहा गया कि आप जो है अगर बोल रहे हैं तो गारंटी लीजिए उस बात की। तो अब फेयर लवली ने क्या कर दिया अपना एडवर्टीजमेंट चेंज कर दिया है, कभी यूट्यूब में देखना आज से दो तीन लगभग 4-5 साल पहले की न्यूज़ है, आज से 5-6 साल पहले फेयर लवली की न्यूज़ देखना और 5-6 साल बाद की न्यूज़ देखना। अब तुम जो है उसको तुम एडवर्टीजमेंट उससे करा रहे हो, कौन सी हीरोइन है वो यामी गौतम, अब यामी गौतम तुम एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, वो खुद ही बेचारी गोरी है, अब तुम जो है एडवर्टीजमेंट कराओ जो है ब्रायन लारा से, अब वो फिर लगा के बताए कि मैं गोरा हो गया तो बात अलग है, तो जो जो खुद ही गोरा उससे तुम एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, ठीक है। खैर तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या लगाया, विज्ञापन के अधिकार पर क्या लगाया, रोक लगाई कि नहीं लगाई, ठीक है। अब विज्ञापन हो गया, अब आप विज्ञापन आपको करना है तो विज्ञापन का आप प्रसारण भी करेंगे, तो यहां पर क्या हो गया प्रसारण का अधिकार, टेलीकास्ट, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट एंड टेलीकास्ट। अब हम अपना वीडियो बनाए क्लासरूम में और जाकर के वीडियो क्लासरूम में बना करके उसको हम डालें यूट्यूब में डालें फेसबुक में डालें व्हाट्सएप में डालें कहीं भी डालें, कोई रोकेगा हमको नहीं रोकेगा, हम अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं दूसरे तक, हम क्या कर रहे हैं टेलीकास्ट कर रहे हैं क्लास को, कोई रोकेगा नहीं रोकेगा। अब मैं यहाँ पर सिखाने लगूँ कि आइए देखते सीखते बम कैसे बनता है, और बताओ बम में जो है इतने ग्राम सॉल्ट पीटर डालें इतने ग्राम फलाने डालें फिर उसको इस तरीके से बांधें, अब मैं ये सिखाने लगूँ और फिर उसके बाद पुलिस आ जाए तो मुझे धर ले जाए और फिर मेरी कुटाई हो, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में कहूँ कि तो मेरे जो है प्रसारण के अधिकार का हनन है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, नहीं पढ़े थे क्या 19 क्लॉज 2 भी तो देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी आप ऐसा कुछ भी आप प्रसारण नहीं कर सकते ना कि जिससे जो है क्या हो छट पैदा हो कोई भी प्रसारण, मतलब कुछ और भी प्रसारण। अब वो शिल्पा से ठीक है पति राजकुंद्रा, अब वो भी कहते प्रसारण का अधिकार, क्यों उसके ऊपर केस हुआ, केस तो हुआ ना उसके ऊपर जेल हुई ना उसको, अब वो कहते कि जो प्रसारण का अधिकार है मेरे जो मन करे मैं प्रसारित करूं, तो नहीं कर सकते आप, ठीक है कानून इजाजत नहीं देता 19 क्लॉज 2 वो है, ठीक है चलिए। शाहरुख खान के लड़के को जेल हो गई, कल हो गई, वो कहे वो ड्रग्स बेच रहा था क्या, लेकिन हमारे यहाँ ड्रग्स बेचना और उसका यूज करना दोनों इलीगल है, अब वो कह दे कि मैं ये तो जो है 19 क्लॉज 7 क्लॉज G का अधिकार है हम बेच रहे हैं ड्रग्स, वो यूज कर रहा था भाई दोनों इलीगल है बेचना भी उसका उपभोग करना भी, तो उसको बेचने के लिए नहीं उसको जेल हुई थी उसको यूज करने के लिए जेल। अब आप कह दो सर उसको पकड़िए ना जो बेच रहा है, तो वो बेच रहा था तुम खरीद कह रहे थे, जब खरीद रहे तभी तो बेच रहा है वो, तुम अब तुम कह दो कि सर हम जो है दहेज लेने के लिए तुमको पकड़ लिया जाए या ठीक है, और तुम कह दो तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि भाई मान लीजिए जो दहेज दे रहा है उसको भी सुप्रीम कोर्ट पकड़ेगी, क्योंकि तुम जब दे रहे थे तब तो सामने वाला ले रहा है, दोनों दोषी हैं क्योंकि वो सामने वाला क्या कर रहा है उस अपराध का बढ़ावा दे रहा है। अब कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तुम खड़े होकर कह रहा हो मारा और खड़े होकर देख रहे हो तो तुम दोनों को पकड़े जाओगे, क्यों, क्योंकि तुम खड़े होकर उसको और बढ़ावा दे रहे हो,
ठीक है, तो दोनों ही अपराध हैं। कोई मर्डर कर दिया और तुमने उसको कह रखा कि जाके मर्डर करके आ, तो तुमने उसको कहा तो तुम भी अपराधी, उसने मर्डर किया तो वो भी अपराधी, और तीसरा भी जो उसका साथ गया उसको लेके वो भी अपराधी है, और जिसने लोकेशन बताई कि वो वहाँ खड़ा वो भी अपराधी, सब अपराधी हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उस अपराध को होने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो ओके ठीक है। अब ये बताओ कि हाँ, चुप रहने का अधिकार क्या में आएगा? पुलिस तुमको उठा ले गई, कूट रही दाना, ठीक है, वो भी आपका अधिकार है चुप रहना। या फिर मैं कह दूँ, अभी जो एक तमाम अभी कुछ समय से सिनेमा हॉलों में आप देखेंगे कि जनगणमन होने लगा है, राष्ट्रगान, तो उसमें शुरुआत में बहुत एक कोई बहुत मारा लोगों ने, ठीक है, एक लड़का था और वो नहीं खड़ा हुआ ना, उसने जनगणमन बोला तो क्या किया गया, उसकी बहुत पिटाई की गई। तो ये केस कहाँ गया कोर्ट में, कोर्ट ने क्या कहा कि चुप रहने का भी अधिकार आपके क्या एक्सप्रेशन में शामिल है, 19 clause 1 sub clause A में शामिल चुप रहने का भी अधिकार। ये सारे अधिकार तो आपको मिले ही मिले हैं, साथ में इसी में ही आपका चुप रहने का अधिकार भी है, चुप रहने का अधिकार। अब चुप रह के आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये रोक कह रहा है, ये तुम्हें अधिकार दे रहा है ना, आप चुप रहिए, आपका एक्सप्रेशन है, आप चुप रहिए, कोई आपसे कुछ भी पूछ रहा है, डू यू लव मी, चुप रहो ना, बताओ चुप रहने का अधिकार। ये भी क्या है, आपका एक्सप्रेशन है ना, अब आप बोलोगे कि नहीं तो लात जूते की हो जाएगी, इसलिए चुप रहो, इसलिए क्या रहो, और नहीं तो क्या, चुप रहना भी क्या है, आपके एक्सप्रेशन का ही तो अधिकार है, आप चुप रह के आप बता दीजिए, मतलब चुप आप रह लिए, अपने आप सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं, जरूरी है कि कहोगे नहीं, ठीक है, चुप रह लो, अपने आप सामने वाला समझ जाएगा नहीं, चुप रहने का अधिकार भी। अभी नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ केस आया था, नवीन जिंदल कांग्रेस में मंत्री भी रहे और जिंदल इंडस्ट्रीज बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, पूरा राजस्थान से दिल्ली तक आप आएंगे तो रास्ते में उन्हीं उन्हीं की फैक्ट्रियाँ हैं। तो नवीन जिंदल, उनकी फैक्ट्रियों में तिरंगा लगा हुआ था, तो एक केस पहुंचा कोर्ट में कि एक प्राइवेट व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी में झंडा नहीं लगा सकता, इसने कैसे लगाया, सुप्रीम कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया कि झंडा लगाना सबका अधिकार है, उसका एक्सप्रेशन का अधिकार है, झंडा लगाना क्या है, एक्सप्रेशन का अधिकार है उसका, वो झंडा लगा करके अपना राष्ट्रभक्ति को शो कर रहा है, तो झंडा लगाने का भी अधिकार आपको मिल चुका है, किसके अंतर्गत, इसी के अंदर, झंडा फहराने का अधिकार। झंडा फहराने का अधिकार, अरे मैं बताऊं, जो जो राष्ट्रगान वाला जो केस हुआ था जिसमें पिटाई की गई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वो नहीं बोलना चाहते ना बोले, चुप रहे, वो उसका अधिकार है भाई, कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती थोड़ा है कि वो खड़े वो गाएगा ही मुंह से राष्ट्रगान, नहीं गाया, नहीं गा रहा, चुप रहने का अधिकार। अब कहते सर ये तो राष्ट्रद्रोह हो गया, ठीक है, तो उसने उसके अगेंस्ट अगर कुछ बोले तो वो उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफिसर, वो नहीं कुछ बोल रहा तो आपको कैसे पता चला कि अगर वो कुछ बोल नहीं रहा तो उसके वो जो है राष्ट्रगान के विरुद्ध ही कुछ सोच रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है, वो चुप है। तो राष्ट्रगान को ना गाना प्रिंसिपल ऑफेंस नहीं है, उसके अगेंस्ट कुछ बोलना है प्रिंसिपल ऑफेंस, लेकिन ना गाना, चुप रहना, वो चुप रहने का अधिकार भी किस में आ जाएगा, 19 clause 1 sub clause A के तहत एक्सप्रेशन का अधिकार। अभी पानी पी लो, देख के याद आ गई, पानी नहीं पीता यार, ध्यान नहीं रहती। किसका आप सूर्योदय के बाद नहीं आप झंडा फहरा सकते हैं, हाँ वो लगा रहता है, वो वाले जो लग गए वो लग, अब जैसे मान लीजिए 15 अगस्त को लगाया, आप शाम को उतारेंगे, जो वो फिर अलग चीज़ होगी, जो लगा दिए गए जैसे फैक्ट्री कमरे वो लगे रहते हैं, हाँ वो लगे उसका ऐसा मतलब कि उतारा, मतलब जैसे कि आपने किसी विशेष ओकेजन पे आपने फहराया है तो फिर आपको सूर्योदय से पहले पहले आपको उतारना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है, आपने किसी ओकेजन पर अगर फहराया है, ठीक है, आप 2 अक्टूबर को फहरा रहे हैं, आप शाम को उतारिए, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, जो रेगुलर फहरा दिया गया वो अलग है, ठीक है। आप अपमान नहीं कर सकते झंडे का, कि पता चले झंडा को तुमने कहा कि हम बेडशीट बनवाएंगे,
ठीक है, आप अपमान नहीं कर सकते झंडे का, फहरा सकते हैं, फहराने का अधिकार है। अभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अभी चली कहाँ रहा है, अभी तो 19 क्लॉज 2 में आएगा ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आप 15 का साथी तो नहीं मोटरसाइकिल में लगा के घूम रहे होते, नहीं घर में लगाते चुका है। तुम जो है कौन से देश के नागरिक हो, तुमको अपना झंडा फहराने का अधिकार मिलेगा कि जो है तालिबान का झंडा फहराने का अधिकार मिलेगा कि पाकिस्तान का झंडा फहराने, तो ऐसे कैसे तुम्हें यहाँ पर झंडा अपने की बात चल रही है अपने देश के, तुम पाकिस्तान का झंडा फहराओगे तो कोर्ट में केस तो बाद में जाएगा। हाँ तो सुन लें दो पहले, हाँ ये कौन कह दिया तुमसे पाकिस्तान का झंडा लगा रहता है, ये तुमसे किसने कह दिया? वो इस्लाम का है, ग्रीन ग्रीन मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का है सब। यार ऐसे लोग हैं, मतलब है इसी को कहते हैं कि जो है तो ये इसने देश विरोधी बातें थोड़ा कर दिया अभी। तो मतलब वो भैया इस्लाम में आप जो है इधर सुनो समझना, आप आपको जो चीज फायदा देगी आप उसी को तो पूजा करेंगे। आपको सूर्य फायदा दे रहा है, आप सूर्य की पूजा करते हैं, और सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ वहाँ सूर्य आतंक मचाता है, ऑलरेडी गर्म, और सोचो कि मई जून में क्या कंडीशन होती होगी। तो जो व्यक्ति जो हाँ वहाँ आतंक मचा रहा है उसकी कोई पूजा करेगा नहीं। शाम को चंद्रमा शीतलता देता है वहाँ, तो वहाँ क्या किया जाती है, चंद्रमा की पूजा की करते हैं, चंद्रमा आराध्य है। तो इस्लाम धर्म में क्या आया, चंद्रमा को ज़्यादा महत्व दिया गया? नहीं सब भाई, धर्म किस पर डिपेंड करता है, ज्योग्राफी पर। धर्म किस पर डिपेंड करता है, ज्योग्राफी पर। हिंदू धर्म है, यहाँ पेड़ पौधे थे, तो जो अंतिम संस्कार है उसमें भी आप देखेंगे क्या जुड़ा हुआ है, शव को जलाना, अंतिम संस्कार में क्या जलाना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पेड़ पौधे थे। अब आप कह दो कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इस्लाम धर्म में भी जलाना शामिल कर लिया, तो भैया सऊदी अरब में पेड़ है नहीं तो कहाँ से जलाओगे तुम, पेड़ ही नहीं है तो कहाँ जलाओ, थोड़ी बहुत पेड़ है उसको भी तुम जला डालो तो क्या करोगे। तो वहाँ पर जमीन पड़ी है खाली, रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, फर्जी जमीन पड़ी है, खेती हो नहीं रही। अगर खेती नहीं हो रही, वेस्ट लैंड पड़ी है, दफनाओ। अब भारत में कृषि योग्य जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, आप यहाँ पर अब दफनाना चालू कर देंगे तो कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर चूंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट ऐसा है कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं बढ़िया खूब, तो जलाने की परंपरा आ गई। हमारे यहाँ स्नान को बहुत महत्व दिया गया है, इस्लाम में बहुत ज़्यादा स्नान का महत्व नहीं है, वजू करते हैं हो जाता कम, क्योंकि यहाँ भरमार थी पानी की, तो सुबह भी ना हो, दोपहर भी ना हो, शाम भी ना हो, है ना। हर एक धार्मिक कार्य से पहले जो है आपको नहाना ही नहाना है। सऊदी अरेबिया में नहीं है ऐसा कल्चर, अच्छा इस्लाम भी सऊदी अरेबिया से आया, तो अब जो जहाँ से आया तो उसके अंदर अब तुम डेट से होके आ रहे हो कि तुम लात जूते खा के आ रहे हो, कि तुम युद्ध से आ रहे हो, कि तुमको सांड जो खड़े तुम आ रहे हो, तो ये कैसे पता चलेगा तुम्हारे आने के उससे ना, जिससे पता चल जाएगा तुम कहाँ से आ रहे हो। तो इस्लाम आया सऊदी अरेबिया से, तो उसकी जो भी मान्यताएं होंगी, जो भी उसमें विशेषताएं होंगी उस धर्म के अंदर, वो कहाँ से जुड़ी होंगी, सऊदी अरेबिया से। अब वहाँ पानी नहीं है तो कैसे नहाओगे तुम, तो वहाँ पर क्या है, वजू। अब वजू भी कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे तो करते हैं वजू, क्यों करते हैं ऐसे वजू, क्यों करते हैं ऐसे वजू, कहीं नहीं करते। हमारे यहाँ हाथ पाँव धोने में हम इतना पानी वेस्ट कर देते हैं जितने में व्यक्ति नहा ले, कितना पानी हम वेस्ट करते हैं हाथ पाँव धोने में, लेकिन इस्लाम धर्म वजू को महत्व दिया गया। क्यों, पानी भरा रहता, आपने ऐसे किया पानी यहाँ से आया पूरे हाथों को गीला करते हुए चला गया, एक ही चुल्लू पानी पूरे हाथों को गीला कर दिया। मंशा कभी नमाज वमाज पढ़ी हो, पढ़ती डेली पढ़ती हो, मदरसा वो मस्जिद भी जाके पढ़ी हो, मस्जिद कभी नहीं गई, कभी आज तक मस्जिद नहीं गई, मदरसा तो गई होगी, वजू तो की होगी, घर में भी वजू करते हैं, मतलब जब नमाज पढ़ते हैं उससे पहले वजू करते हैं, अच्छा वजू ऐसे तो करते हैं भाई, देखो मुझे तो पता नहीं है, हाँ मतलब हाँ पहले ऐसे धोते हैं तो। अच्छा हाथ धोने के लिए ऐसा थोड़ा कि हम नल चला ले और ऐसे ऐसे हाथ धो रहे हो, ऐसा नहीं होता ना, वो एक बर्तन में ही पानी भर करके ही हम धोते हैं। मेन चीज़ें क्या है, पानी को बचाना, ऐसे हाथ धोया ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऐसे वजू करेंगे, तो एक ही चुल्लू पानी पूरा गीला करता चला गया। अब हमको देखिए, हम लोग हाथ पाँव कैसे धोते हैं, क्योंकि हमारे पानी की भरमार है,
तो हर चीज़ क्या है, धर्म डिपेंड ही करेगा ज्योग्राफी पर, इकोनॉमी डिपेंड ही करेगी ज्योग्राफी पर, इतिहास डिपेंड ही करेगा ज्योग्राफी पर। भारत में कहे थे आक्रमण हुए, कहे नहीं जो है तुमने ये पढ़ा अफगानिस्तान में आक्रमण हुए। भाई अफगानिस्तान में आक्रमण लायक कुछ है ही नहीं है, अफगानिस्तान में आक्रमण लायक कुछ है ही नहीं। सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, भाई जो अरेबियंस आए कहाँ से आए, सऊदी अरेबिया से। अब उनके पास कुछ खाने के लिए है ही नहीं, रेगिस्तान, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। जब है ही नहीं खाने के लिए सीधी सी बात है कहाँ हो जाएंगे, जो जहाँ पर खाने पीने के लिए चीज़ें हैं वहाँ हो जाएंगे। नहीं बात समझ आ रही, कहे सो रही हो। भारत आखिरकार क्यों था सोने की चिड़िया? अब ऐसे हो रहा यहाँ सोना था, सोना वो जो जिसके पास खाने के लिए नहीं उसके पास तो सोना खाना हो गया ना, उसके लिए गोल्ड क्या है, भोजन। तो अरेबियंस आए, अरब आक्रमण हुआ, सऊदी अरब से आए, वो भी भूखे कुछ नहीं, यहाँ देखा हरियाली माँ बिल्कुल, खाने पीने की चीज़ें, आए भारत। तुर्क आए, तुर्कमेनिस्तान देख लो पूरा क्या है, शीत कटिबंध हवाओं से पूरा प्रभावित है, वो साइबेरियन हवाओं से ठंडा पड़ा है पूरा, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। वो आया, ठीक है। बाबर आया, उसके पास बेचारे के पास कुछ जगह ही नहीं थी, वो तो उसको जगह लेने के लिए आया था ना, वो उसके पास कहीं उसका ठिकाना ना बचा, जो भी थोड़ा बहुत था उसके भाइयों ने मार के छीन लिया, तो उसको आना पड़ा भारत। गजनवी आया, गौर से जो है गौरी आया, तो ये सब अफगानिस्तान से आए, क्यों वहाँ है ही नहीं कुछ खाने के लिए यार, तो खाने के लिए तो यहीं आएंगे ना खाना लेने के लिए। तो देखो उनका जो मेन मोटिव था शुरुआत में वो यही था कि भारत से, भारत आना, लूटपाट करना और यहाँ से सब, यहाँ से वो सब खाने पीने की वस्तुएं सब लेकर के जाना, मेन उनका उद्देश्य यही था। तो ये सब किस पर डिपेंड कर रहा, पूरा इतिहास देखिए ना, पूरा इतिहास भैया ब्रिटिश आए भारत, कहे को आए, यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से ना, उनको आवश्यकता थी मसाले की, उनको आवश्यकता थी, उनकी उनकी ज़रूरत थी जिंदा रहने के लिए, उनको मसाला चाहिए था। अब ये तो है नहीं कि उनको बड़ा मसालेदार खाना मस्त बिल्कुल पसंद था, उनको जिंदा रहना था इसलिए मसाले चाहिए। अब आप कहते सर मसाला खा के जरूरी कि मसाले खा के जिंदा रहें, ये वाला मसाला नहीं, स्पाइसेस, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची, ये चाहिए भाई, ठंडा प्रदेश है। अब मसाले क्या होते हैं, गर्म, तो उनको गर्म अपने अंदर गर्मी लाने के लिए मसाला, भाई सर्दियों में काढ़ा वाढ़ा लोग खूब पीते हैं, उसमें देखो दबा के मसाला डाला जाता है, अंदर क्या रहे गर्मी रहे। दूसरी चीज प्रिजर्वेटिव है मसाले, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, प्रिजर्व करते हैं चीज़ों को। अब उनको क्या करना है, अपने मांस को प्रिजर्व करना है, लंबे समय तक चलाना है। भाई मांस है तो उनके पास खाने का एक जरिया, और सर्दियों में गर्मियों में मांस को काट काट के क्या कर लिया, प्रिजर्व कर दिया ठंडियों के लिए मसाला, इसलिए वो भारत है। तो हर चीज़ धर्म हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, सब जियोग्राफी पर डिपेंड करती है। ठीक है जी, यहाँ तक आज बात हो गई, कल हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। आज वैसे क्लास DPSP की थी, ठीक है, इसको ख़त्म करने के बाद DPSP ख़त्म करेंगे और फिर वही अपना देखते हैं फिर। ठीक है, तो कल इसको लिख लेंगे, कल कोशिश करेंगे कि पूरा स्वतंत्रता का अधिकार पूरा कंप्लीट करा लें। कल थोड़ा सा कोशिश करेंगे लिखने की, ज़्यादा कोशिश करेंगे, है ना, जो समझाने वाला पॉइंट इसने समझा दिया है ज़्यादा, और अब जो भी कल से होगा तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब समझाता रहूँगा, उसके बाद लिखवाने में ज़्यादा फोकस करना, ध्यान देना, दरबार में ना लगवाना मुझे। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर कल, धन्यवाद।